के कत्ल में दीपिका का हाथ है। यहाँ की पुलिस का यही कहना है। मैं सिर्फ ऋषभ को माफ करने को कह रही हूँ, ऋषभ को नहीं। तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपनी मौत को माफ कर दूँ। श्वेतलाना, अपने लिए एक प्रार्थना कर लो कि कभी मेरी राहों में नहीं होगी तुम। ऋषभ, जो चीज मैं बेचना चाह रही हूँ और जो तुम खरीदना चाहोगी, उसमें इंसानियत का कोई लेना देना नहीं है। मिलान की पुलिस को यह 100% यकीन है कि केशव मल्होत्रा का कत्ल तुमने ही किया। राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, गेट मोर ग्रेस, कम ऑन, 1 2 3 4। अरे तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? एक्सक्यूज मी, जो तुम करवा रहे हो। मैं करवा रहा हूँ? मैं क्या करवा रहा हूँ? तुम इन लोगों को डांस करवा रहे हो ना, तो मैं भी डांस करने ही आई हूँ। मैं डांस करवाता नहीं हूँ, मैं इनको डांस सिखाता हूँ। जो भी सिखाते हो, मुझे भी वही सीखना है। आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स आई एम। Then come on, join the group. Keep your bag. Okay, first follow them. Be there. Okay, come on, start again. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Right, left, right, left. Come on, Nidhu. Right, left, left, right. 1 2 3. Right. Okay. ये सच है कि कार नहीं थी, और ये भी सच है कि वो मेरे नाम में रजिस्टर थी। लेकिन अगर केशव की मौत एक कत्ल है तो उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वहां की पुलिस इसे कत्ल समझ के ही तहकीकात कर रही है। I see. केशव की मौत से मुझे क्या फायदा हो सकता है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो जब तक वो वक्त नहीं आ जाता ना राव, तुम्हें मुझ पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं। मैं तुम्हारे पे इल्जाम लगाऊं या ना लगाऊं, इसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सच क्या है सिर्फ तुम ही जानते हो। अगर केशव का मर्डर प्लान करके किया था तो यह प्लान केशव को भी नहीं पता था, क्योंकि वो तुम्हारे पे पूरा भरोसा करता था और इसी भरोसे के कारण वो तुम्हारी गाड़ी में बैठा था। Exactly. केशव के पास मुझ पे शक करने की कोई वजह नहीं थी। वहीं पर तो आदमी फंसता है जहां शक नहीं कर सकता। मुझ पे शक करने वाले ये क्यों नहीं सोचते कि शायद मर्डर प्लान करने वाले ने केशव के साथ मेरा भी मर्डर प्लान किया? मुझे तो कोई ऐसी हंसी नजर नहीं आती जैसे तुम्हारे मर्डर से फैला हो। क्यों? जिसको केशव की बदनामी से फायदा हो वो मुझे खत्म करने की भी सोच सकता है ताकि एक स्कैंडल खड़ा हो। मुझे तो नजर नहीं आता। आएगा भी कैसे, आपकी नजर तो मुझ पे अटकी हुई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पूरा यकीन है कि केशव के कातिल तुम हो। मिस्टर राव, मेरे सच को जो आदमी सच ना मान के अपना शक लेके मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है, उसको मैं कभी माफ नहीं करती। मुझे लगता है तुमने केशव को भी ऐसे ही कुछ कहा होगा। नहीं, केशव से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन तुमसे कह रही हूं। और एक बात और बता दूं, तुम केशव नहीं हो। अरे स्वेतलाना, राव तुमसे सीधा एयरपोर्ट से मिलने आया था। उसने कोई बात बताई? नहीं, मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन कह रहा था स्वेतलाना के लिए 2-3 खुशखबरियां हैं, इसलिए मुझसे मुलाकात नहीं हुई। क्या मतलब? मतलब ये माँ कि आजकल इतना बुरा वक्त चल रहा है कि खुशी की कोई खबर वक्त पर नहीं पहुंचती मुझ तक। नहीं नहीं, राव ने कहा है वो 9 बजे वापस आएगा खुशखबरी के साथ। चलो इसी बहाने कुछ उम्मीद तो जागी जीने के लिए। क्या बात है स्वेतलाना, तुम्हें इतना मायूस मैंने पहले कभी नहीं देखा। हार ना भी मानू तो क्या माँ, थक तो गई हो? नहीं नहीं बेटे, थकना और मायूस होना 2 अलग-अलग बातें हैं। थका हुआ इंसान कुछ देर आराम करके खड़ा हो जाता है, लेकिन मायूसी इंसान को तोड़ देती है। डोंट वरी माँ, स्वेतलाना मर सकती है लेकिन टूट नहीं सकती।
मैं जिससे प्यार करता था वो किसी और की हो गई। हाँ वो तो है जिंदगी में ऐसा अजीब इत्तेफाक है, केशव भाई साहब की भी मौत एक्सीडेंट में हुई और उनके सबसे करीब और अजीज भरोसेमंद दोस्त राव की भी मौत एक्सीडेंट में ही हुई। सैड। जब केशव मल्होत्रा जी जिंदा थे तब भी मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का सारा कारोबार यही संभालते थे। इसमें कोई शक नहीं, केशव भाई साहब की मौत के बाद भी ऋषभ सब सलाह मशवरा इन्हीं से लिया करता था। इट्स रियली वेरी सैड। देखो माँ, मैंने कहा था ना वक्त बहुत खराब चल रहा है। खुशी की खबर देने वाला यहां तक पहुंच भी नहीं सका। मुझे भी उसने कुछ नहीं बताया। अगर थोड़ा सा हिंट भी देकर जाता तो हम लोग अंदाजा लगा सकते थे। वो तो छोड़ो माँ, मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मुलाकात हो भी नहीं सकी। आखिरी बार जब हम मिले थे तो कुछ तीखी बातें हुई थी और मैं सोच रही थी कि अब जब हम मिलेंगे तो मैं कुछ ऐसी बात करूंगी जिससे उसे लगे कि मैं पछतावा महसूस कर रही हूं और उसके अंदर की नाराजगी दूर हो जाए। बहुत चाहता था तुम्हें वो, तुमसे नाराज होना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मिलान में जो हुआ था उसका कुछ भी तो पता नहीं और वो खुशी की खबर क्या थी वो भी पता नहीं। हो सकता है मिलान से उसने तुम्हें कोई खत लिखा हो जो आजकल में आता हो। अरे माँ, ये जानकर भी कि मैं वर्कशॉप पर हूँ वो फोन भी तो कर सकता था। शायद वो खुशखबरी मेरे नसीब में नहीं थी और मुझे खुशखबरी सुनाकर मेरे चेहरे पर खुशी देखना शायद उसके नसीब में नहीं था। बेटे, मौत पर किसी का क्या बस, वो तो कभी भी आ सकती है। ना, हम तो सिर्फ यही सोच रहे हैं ना कि हमें जो खुशखबरी मिलने वाली थी वो नहीं मिली। बेटे, खुशखबरी का क्या, मिलान से आने के बाद उसे तुमसे मिलना चाहिए था ना। काश एक बार तो मिल जाता तो मैं पिछली मुलाकात की बदतमीजी के लिए माफी तो मांग लेती। बेटे, राव को शायद ये मंजूर नहीं था कि तुम जिंदगी में उसके सामने कभी शर्मिंदगी महसूस करो। बेचारा बहुत शरीफ इंसान था। सर, पुलिस वाले राव साहब के एक्सीडेंट के बारे में आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। आइए आइए जेंटलमैन, प्लीज तशरीफ रखें। नहीं, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मदद तो हम लोगों का फर्ज है करना। मिस्टर मल्होत्रा जी, राव साहब के पोस्टमार्टम से ये साफ जाहिर है कि उनकी मौत एक्सीडेंट से ही हुई है, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी वजह से ये फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि ये पर्टिकुलर एक्सीडेंट हुआ था या करवाया गया था। करवाया गया था? सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। अगर आपसे ये कहा जाए कि राव साहब का कत्ल किया गया तो आप इस शक में किसी की तरफ उंगली उठा सकेंगे? नहीं नहीं,
बहुत मुश्किल होगा ये कहना कि राव अंकल का भी कोई दुश्मन था। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चलो उनका कोई दुश्मन नहीं था ये मान लेते, मगर वो किसी के दुश्मन थे क्या? देखिए सर, जहां तक मैं राव अंकल को जानता हूँ वो एक नहायत ही शरीफ इंसान थे, ज्यादा लोगों से भी मिलते जुलते नहीं थे, एक संजीदा किस्म के इंसान थे वो। और ऐसे लोगों के बारे में ये कहना चाहिए कि वो खुद अपने दुश्मन थे। अच्छा उनकी फैमिली बैकग्राउंड, मेरा मतलब सगे संबंधी? उनका कोई नहीं था हमारे सिवा, मेरा मतलब है मल्होत्रा खानदान और मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सिवा। उनके ड्राइवर का कहना है कि जब वो एक्सीडेंट होते देखकर अपने मालिक की तरफ भागा तो किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़कर कुछ निकाला, वो कुछ क्या था ये वो बता नहीं पा रहा है। आई एम सॉरी सर, लेकिन इसके बारे में तो मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या था, क्या हो सकता है, आई डोंट नो एनीथिंग। तो आप ये तो बता सकेंगे कि वो मिलान क्यों गए थे? हाँ मिलान तो वो मेरे कहने पर ही गए थे, डैडी कुछ अधूरा बिजनेस छोड़कर आए थे जिसे वो ठीक ठाक करने गए, यू नो। तो आज सुबह वो मिलान से लौटे हैं, आपसे मिले नहीं, आपको फोन नहीं किया? ये जरा ताज्जुब की बात जरूर है, क्योंकि उन्हें मुझसे मिलना तो चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, ना फोन किया ना खुद आए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझा था एक्सीडेंट के समय उनकी अपनी गाड़ी के शीशे का टूटना ये साबित करता है कि उनके पास कुछ ऐसा था जिसे कोई दूसरा हासिल करना चाह रहा था, मगर वो चीज क्या इतनी इंपॉर्टेंट थी कि उसके लिए मिस्टर राव की जान ले ली गई? खैर हम इस केस को एक मर्डर केस समझ कर तहकीकात कर रहे हैं। एक बार तो आप पूछते ये इंसान या मिस्टर राव तृप्ति अपार्टमेंट किस लिए गए? तृप्ति अपार्टमेंट्स। गुड मॉर्निंग मैडम। सेठ जी आइए आइए तशरीफ रखिए। तशरीफ रखने के लिए मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है, आज बड़ा जल्दी में हूँ। ऐसे भी क्या जल्दी है, आपकी पसंद का ठंडा मंगवा लूं? नहीं बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। क्या नहीं? देखो आप मेरे को शरबत पिलाकर मेरे गुस्से को ठंडा करना चाहती है। अच्छा, आप गुस्से में? मुझे ऐसा तो नहीं लगा। लगेगा लगेगा, मुझसे पूछो मैं क्यों आया। आपने तकलीफ कैसे की? अरे तकलीफ वकलीफ छोड़ो ना, सीधा सीधा पूछो, छा बढ़िया महान तुम यहाँ कैसे आया? अच्छा ठीक है, सीधे सीधे पूछती हूँ कैसे आना हुआ। शायद तुम भूल गई हो, आज मेरा रकम वसूल करने का तारीख है। नहीं मुझे बिल्कुल याद है सेठ जी, ये लीजिए सूद की रकम, ये लीजिए। अरे सूद को मारो गली, मुदल की बात करो मुदल की। मैं पिछले 3 महीने से मुदल लेने आ रहा हूँ और तुम मुझे ब्याज देके टरका रही हो। उस पर आपको असल रकम मिल जाएगी। बात बात की छोड़ो, आज की बात करो, मुझे आज पूरी रकम चाहिए, समझ गई? अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं। देखो मैडम कान खोल कर सुन लो, आज अगर तुमने मेरे को रकम नहीं दी ना तो कल मैं कोर्ट में जाएगा और फिर कल अखबार में आएगा और मार्केट में तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपके पास ऐसा करने के लिए सही कारण है नहीं। अरे वाह, हमारी रकम हमको तुम टाइम पे नहीं देगा तो हम तो कोर्ट में जाएगा। नहीं सेठ जी, आप जैसा कोई सेठ रकम को घर पर तो नहीं रखता है, वो ब्याज पर चलाता रहता है। जब मैं आपको ब्याज दे रही हूँ तो फिर आप। देखो मैडम आपने जब जब रकम मांगी मैंने आपको रकम दी, अब वही रकम मैं वापस मांग रहा हूँ तो आपको क्या तकलीफ है? आपको रकम दे देनी चाहिए ना। मैं यहाँ एक धंधा चला रही हूँ जो अभी नया नया है, इस वक्त एकदम ऐसा मुमकिन नहीं कि मैं कहीं से इतनी बड़ी रकम निकाल कर आपको दे सकूं। निकाल के दो या धंधा बंद कर दो, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरी पूरी रकम चाहिए, समझ गई ना। इस तरह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए आपको सेठ जी। आज आप ब्याज ले जाइए और अगली तारीख तक मैं आपको आपकी रकम पहुंचा दी। बिल्कुल नहीं, ब्याज मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। मैं कितनी बार कह दूं कि मेरे पास इस वक्त रकम नहीं है। वाह क्या जमाना आ गया है, रकम वसूल करने मैं आया हूँ और गुस्सा आपको आ रहा है। शराफत को जब जरूरत से ज्यादा दबाया जाए तो भड़क उठती है। अरे शराफत वराफत से मुझे क्या वास्ता, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए पैसा। देखो 3 दिन के अंदर अगर आपने पैसा नहीं। जी प्लीज, 3 दिन के अंदर मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त कैसे करूंगी? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, 3 दिन के अंदर अगर आपने रकम का बंदोबस्त नहीं किया तो मैं कोर्ट में चला जाऊंगा। नहीं सर जी,
सेठ जी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अपने हाथों को अलग कर दो सतलाना, दौलत में इतनी ताकत नहीं जो तुम्हारे हाथों पे हुकूमत कर सके। सूरज, तुम इतने दिनों बाद कहाँ से आए? तुम ये कह रही हो, इसका मतलब तुमने मुझे मिस किया? ये देखो, पूरे 10,000 पाउंड का चेक। मैं तुम्हारे काम से लंदन गया था, ये बहुत बड़ा ऑर्डर है और ये सिर्फ एडवांस है। तुम तो सब कुछ एक ही सांस में कह गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये काहे का चेक है, किसका ऑर्डर है? मैं तुम्हें बाद में समझाता हूँ, पहले सेठ जी को समझा दूं। ये देखिए सेठ जी, क्या कहते हैं आप, कब चाहिए रकम आपको? अगले महीने दे दो असल रकम, और मैडम इस वक्त सिर्फ ब्याज दे दो, चलेगा। थैंक यू। महीन बोलो, है जी तेल। ओहो, क्या बचपन है ये, एक वर्ड बोलने में क्या जाता है, बोलो ना हेड्स या टेल। अच्छा बाबा तुम उछालो, सही बोलो तो सही। ओके, हेड्स हेड्स हेड। वाओ हेड्स, अब तो तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बन के ही रहोगे। मगर कभी कभी इस तरह की वेल विशिंग दुखदाई भी बन जाती है। क्यों? वेरी सिंपल, जिस बात के होने के बारे में सोचकर तुम इतनी खुश हो रही हो ना, अगर वो नहीं हुई तो। नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव सोचते हो तुम। निशी मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ, लेकिन पॉजिटिव को भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहता हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें चेयरमैन बनने से कौन रोक सकता है? सवाल ये नहीं है कि मुझे चेयरमैन बनाने से कौन रोक सकता है, लेकिन सवाल ये है कि मुझे चेयरमैन कौन बना सकता है। हेलो, बहन मैं शीला बोल रही हूँ। हाँ शीला बोलो। कल की सब तैयारियां हो चुकी हैं। वेरी गुड, तुम सबसे मिली? हाँ सबसे मिलकर आ रही हूँ और सबसे पर्सनली बातचीत भी की है। वेरी गुड, अगर तुम नहीं होती तो। अरे नहीं नहीं महेन, मैं तो सिर्फ उतना ही कर रही हूँ जितना मेरे फर्ज की मांग है। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। अगर मैं चेयरमैन बन गया ना तो देखना तुम्हारी इस मेहनत को मैं कभी नहीं भूलूंगा। डोंट बी फॉर्मल, ओके? गुड नाइट। गुड नाइट, ओके बाय। महेन डार्लिंग, तुम चेयरमैन बनो या ना बनो, लेकिन ये शीला बनो मुझे ऑफिस में एजीएम के बाद एक दिन भी नजर नहीं आनी चाहिए। डार्लिंग, इतने सख्त फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए, एजीएम हो जाने दो उसके बाद देखेंगे। देखना वेखना कुछ नहीं, मैं कह देती हूँ एजीएम के बाद एक दिन भी वो ऑफिस में नजर आए तो मैं उसके चेहरे पर एसिड फेंकवा दूंगा। डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स ना, ओके?